नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज इनकम टैक्स डे है। सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के मुताबिक साल 2018-19 में देश में सिर्फ 1,46,00,000 लोगों ने इनकम टैक्स दिया था, यानी 130 करोड़ की जनसंख्या में 2% लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते, जबकि विदेशी यात्रा करने वाले, महंगी प्रॉपर्टी खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज इनकम टैक्स डे के मौके पर हम आपको बताते हैं कि देश में क्या है टैक्स वसूली की हालत। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में लोग टैक्स से बचने के लिए, आमदनी छुपाने के लिए तरह तरह की जुगत करते हैं। लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर विभाग को तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। देश में अब भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इनकम टैक्स देने से बचता है। अक्सर आयकर विभाग के छापों से इसीलिए चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। हाल में इनकम टैक्स विभाग से ये खुलासा हुआ है कि कानपुर में 256 ठेले और खो मचे वाले करोड़पति हैं। इतनी कमाई के बावजूद ये एक पैसा इनकम टैक्स या जीएसटी के लिए नहीं दे रहे हैं। इन सभी को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने इस बारे में लेटेस्ट आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि पिछले 2-3 साल में इसमें कोई चमत्कारिक बढ़त हुई होगी। सीबीडीटी के मुताबिक साल 2018-19 में सिर्फ 46,00,000 इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने अपनी आमदनी 10,00,000 से ऊपर दिखाई थी। 1 करोड़ लोगों ने अपनी आमदनी 5 से 10,00,000 रुपये के बीच दिखाई थी। उस समय कुल 5,78,00,000 लोगों ने ITR दाखिल किया था और इसमें से 1,03,00,000 लोगों ने अपनी आमदनी 2,05,000 से नीचे दिखाई थी। करीब 3,29,00,000 लोगों ने अपनी सालाना आय 2,05,000 से 5,00,000 के बीच दिखाई थी। गौरतलब है कि सरकार ने 5,00,000 रुपए तक की सालाना आय को रिबेट के जरिए टैक्स फ्री कर दिया है। जनवरी से मार्च तक लोग इनकम टैक्स को लेकर परेशान रहते हैं और अपना टैक्स फाइल करना नहीं भूलते हैं। इस खास दिन का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग अपने टैक्स को लेकर जागरूक रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिस्टम की शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी? इनकम टैक्स को देश में लाने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को जाता है। जेम्स विल्सन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। जेम्स ने जब 18 फरवरी 1860 को बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने 3 तरह के टैक्स भी पेश किए, इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स और तंबाकू ड्यूटी। इनमें से सिर्फ एक को ही मंजूरी मिली और बाकी 2 भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स कैनिंग ने खारिज कर दिए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।